हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर रहा हूं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह सभी इन्फॉर्मेशन इस वर्ल्ड कप के बारे में दूंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने लायक है। इसका आयोजन कब से कब के बीच हुआ? इस पुरुष विश्व कप का T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन जो है वो 2 से 29 जून के मध्य 2024 के मध्य हुआ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ये कौन सा एडिशन था? तो ये इसका 9वां संस्करण था। इस विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इस विश्व कप में कुल 20 टीमों ने भाग लिया। और कुल मैच कितने खेले गए? तो कुल मैच जो है वो 55 खेले गए। टी ट्वेंटी फाइनल जो है वो बारबाडोस स्टेडियम में खेला गया। टी20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है अब की बार? तो टी20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी, इन चार लोगों को इस टी20 कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। विजेता कौन रहा? तो विजेता जो है वो भारत रहा। और पुरस्कार के रूप में भारत को कितने ही राशि मिली? तो $2.36 मिलियन विजेता के रूप में भारत को मिली। उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता जो है वो दक्षिण अफ्रीका रहा, जिसे कि $1.28 मिलियन की पुरस्कार राशि मिली। हम सभी जानते हैं कि फाइनल मुकाबला जो है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ था। भारत ने जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे 7 विकेट के लॉस पर। प्रत्युत्तर में जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम केवल 169 रन ही 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बना सकी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो भारत के जसप्रीत बुमराह रहे। धन्यवाद।